ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम पर राज्य स्तरीय विशेष अभियान का शुभारंभ हो चुका है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक एक माह तक चलने वाले इस अभियान को सोलन में डीसी सोलन केसी चमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोलन जिला के जन जन को नशे के विरुद्ध जागरूक बनाने और सभी को नशा उन्मूलन अभियान में सहयोगी बनाने के लिए एक माह का जन जागरण कार्यक्रम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान से प्रभात फेरी के साथ आरंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम पर राज्य स्तरीय विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक एक माह तक चलने वाले इस अभियान को सोलन में डीसी सोलन केसी चमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोलन जिला के जन जन को नशे के विरुद्ध जागरूक बनाने और सभी को नशा उन्मूलन अभियान में सहयोगी बनाने के लिए एक माह का जन जागरण कार्यक्रम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान से प्रभात फेरी के साथ आरंभ हुआ। केसी चमन ने इस अवसर पर कहा कि हम सभी को ये समझना होगा कि नशा निवारण कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा बिना जन सहयोग के सफल नहीं बनाया जा सकता। केसी चमन ने कहा कि अभिभावकों को बच्चों के साथ प्रतिदिन संवाद कर ये जानना चाहिए कि वे किस तरह के कार्य कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई एवं दिनचर्या पर ध्यान दें ताकि बच्चे अभिभावकों के समक्ष खुलकर अपनी बात कह सकें। उन्होंने कहा कि पारिवारिक निकटता नशे के उन्मूलन में विशेष रूप से सहायक है। प्रभात फेरी ठोडो मैदान से लक्कड़ बाजार चौक बाजार पुराना बस अड्डा से होते हुए पुराना उपायुक्त कार्यालय से वापस ठोडो मैदान आई। इस अवसर पर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में एक योग शिविर भी आयोजित किया गया। उपमंडलाधिकारी सोलन रोहित राठौर ने योग शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। नशे के खिलाफ शुरू किए गए इस विशेष अभियान में विधि जानकारों, पंचायती राज संस्थानों, युवक मंडलों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ये जो प्रदेश सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, ये 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक चलेगा। इसके लिए डेली कैलेंडर बन चुका है, हर एक की एक्टिविटी होगी। इसका आगाज आज सुबह ये प्रभात फेरी से हुआ, जिसमें लगभग 1000 के लोग शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि नशे के खिलाफ प्रशासन और पुलिस तो लगी हुई है, उसके जन हर एक जन को खड़ा होना पड़ेगा। हर समाज के हर एक वर्ग को जागरूकता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए लोगों को जागरूक करना है, एक संदेश पहुंचाना है कि जो जिन व्यक्तियों के कारण समाज में विकृति आई है, उनकी धरपकड़ में पुलिस का और प्रशासन का सहयोग दे, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक नशे के इस नशे के इस जो संगति से बचाया जा सके।